हेलो माय लवली फ्रेंड्स वेलकम बैक टू नियॉन स्टाइल वेलकम बैक टू अनादर एक्साइटिंग मेकअप ट्यूटोरियल तो आज की ये जो वीडियो है इसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ब्राइडल मेकअप विथ विको टर्मरिक क्रीम यस yes, आपने सही सुना है विको टर्मरिक क्रीम से जो है आज मैं ये ग्लैम लुक क्रिएट करने वाली हूँ सो कीप ऑन वॉचिंग तो यह है मेरा बेयर फेस अभी हम मेकअप स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले मैं लगा रही हूँ लैखमे का एब्सोल्यूट परफेक्ट ब्लर प्राइमर ये प्राइमर मैं अच्छे से लगा के जो है ब्लेंड कर लूँगी एंड ब्लेंड करने के बाद हम बाकी का मेकअप जो है वो कंटिन्यू करेंगे तो वो लगा लेने के बाद अभी मैं लगाऊंगी हमारा स्टार ऑफ द शो द विको टर्मरिक क्रीम विको टर्मरिक क्रीम यस इसको मैं अच्छे से अप्लाई करूँगी एंड इस क्रीम का एक जो खासियत मुझे ऐसा लगा कि ये जो क्रीम है ये गोल्डन अंडरटोन मतलब एक इसमें है एक गोल्डन गोल्डन शिमरी कुछ तो है तो ये एक हर इंडियन ब्राइट का बहुत ही ज़्यादा चाह होती है कि उनके लाइक वेडिंग में सब कुछ गोल्डन टिंट में हो एक शिमर एक गोल्डनिश कलर आए तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ मुझे लगी ऑल दो ऑल्सो इसको यूज़ करने के साथ आपको कोई फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सिर्फ कंसीलर से ही काम चल जाएगा तो एक फाउंडेशन ब्लेंड करने का जो बहुत ही झंझट होता है उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी इस वाले हैक के साथ तो अभी मैं यहाँ पे कंसीलर लगा रही हूँ आपने देखा मैंने कोई भी फाउंडेशन अप्लाई नहीं किया है कंसीलर को मैं ब्लेंड करूँगी विद दी हेल्प ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर ताकि सब कुछ बहुत ही सीमलेसली ब्लेंड हो जाए इसके ब्लेंड करने के बाद अभी हम अगला स्टेप करेंगे एंड ऑल्सो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है स्विस uh, ब्यूटी का कंसीलर बहुत ही अच्छा एक फैबुलस कंसीलर है डू ट्राई इट आउट अगर आप में से अभी भी कोई है जो इसको यूज़ नहीं कर चुके हैं मतलब किए हैं क्योंकि आई एम श्योर sure काफ़ी लोगों ने इसको यूज़ कर लिए होंगे अभी मैं इनसाइट का एक कलर करेक्टिंग पैलेट से कंट्रोलिंग कर रही हूँ मैंने ब्राउन शेड लिया है उसको एक एप्लीकेटर की मदद से मैं अप्लाई कर रही हूँ एंड इसके बाद मैं सब कुछ अगेन ब्लेंड कर दूंगी विद दी हेल्प ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर डैम ब्यूटी ब्लेंडर सेम ब्यूटी ब्लेंडर मैं यूज़ कर रही हूँ उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये ये मुझे लगा वीको से जो है ब्राइडल मेकअप काफ़ी ज़्यादा अच्छा मतलब टर्न आउट हुई है ब्राइडल ना भी सही आप किसी पार्टी फंक्शन में भी करना चाहते हो इस तरीके से मेकअप अच्छा तो डेफ़िनेटली कर सकते हो क्योंकि बिगिनर्स में क्या होता है कि फ़ाउंडेशन ब्लेंड करने का एक बहुत ही तगड़ा वाला जो है टास्क रह जाता है कि वो कैसे करे क्या कैसे मतलब केक ही फाउंडेशन हो जाते हैं फाउंडेशन काले पड़ जाते हैं बहुत सारी चीज़ें होती है तो इससे जो है आप वो सारी चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ेगी आपको अभी मैं यहाँ इन का बनाना पाउडर यूज कर रही हूं उससे मैं अपने मेकअप को सेट करूंगी आइज़ के नीचे जो मैं लगा रही हूँ इसको मैं अभी कुछ मिनटों के लिए ऐसे ही रहने दूंगी एंड बाकी फेस को मैं अच्छे से जो है सेट कर लूँगी सेम स्पंज की मदद से नाउ मैं म्यूज़िक फ्लावर का जो है यूज़ कर रही हूँ आईब्रो पोमेड इस पोमेड के साथ मैं अपना आईब्रो बना लूँगी क्योंकि ये एक ब्राइडल लुक है तो मैं पोमेड यूज़ कर रही हूँ आप किसी पार्टी फंक्शन में कर रहे हो तो आप पोमेड के जगह पाउडर से या पेंसिल से भी काम चला सकते हो नाउ मैं अपने अंडर आई एरिया को डस्ट ऑफ कर रही हूँ अभी हम आई मेकअप करेंगे तो उसके लिए मैंने हुडा ब्यूटी का रोज गोल्ड पैलेट यूज़ किया है यहाँ से मैं एक ऑरेंजिश ऑरेंजिश मरूनिश मरूनिश नहीं ब्राउनिश शेड लेके एक ट्रांजिशन शेड बिल्ड करूंगी उसके बाद मैं एक रोज कलर लेके मतलब जो एक रेड एंड पिंक का बीच का कलर आता है वो वाला कलर लेके जो है अपने आउटर कॉर्नर पे एंड इन इनर कॉर्नर पे जस्ट पैट करूँगी पहले तो मैं इसको अच्छे से पैट करूँगी एंड फिर मैं इसको ब्लेंड करूंगी देन मैं लगाऊंगी गोल्डन शिमर आप किसी भी ड्रेस के साथ ये वाला आई लुक क्रिएट कर सकते हो बहुत इजी है जस्ट तीन कलर के साथ आपका आई लुक झटाक से क्रिएट हो जाएगा और डेफिनेटली आप आ, मुझे लगता है कि किसी भी शादी के लिए गोल्डन इज द परफेक्ट कलर अभी मेरा एज जो है ब्लेंड नहीं हुई थी तो मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर रही हूँ बहुत ईजी होता है गाइज ये वाला ट्रिक जरूर एक बार ट्राई करके कर देखना एंड इस ट्रिक के लिए एक लाइक तो बनता है तो अभी मैं बीच में लगा रही हूँ गोल्डन शिमर एंड फिर मैं थोड़ा सा हल्का सा ब्लेंड कर दूंगी सारा सब कुछ साथ में एंड फिर इसके बाद मैं लगाऊंगी अपने लोअर वाटर लाइन पे सेम जो मैंने रोज कलर लगाई थी ऊपर वही सेम कलर मैं अंडर आई एरिया पे लगा रही हूँ देन मैं लगाऊंगी हाइलाइटर मैंने ब्लश भी लगा लिया इस बीच में बट वो वाला क्लिप डिलीट हो गई है मैंने स्टेकवर्की का ब्लश यूज़ किया है हाईलाइटर मैं यूज कर रही हूँ फ्रॉम मेवलिन एंड यहाँ पे मेरा शेड है मोल्टन गोल्ड फिर मैं स्विस ब्यूटी का जो है सेटिंग स्प्रे यूज कर रही हूँ एक बार मैं डैम ब्यूटी ब्लेंडर से सब कुछ सेट कर लूँगी इस तरीके से एंड फिर मेरा मेकअप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है अभी मैं यहाँ पे लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ एंड इसके बाद हेयर इज द फाइनल लुक